What's your name? Hello. Huh? What's your name? Rambo. 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 Can we take some pictures here? Huh? Can we take some photos? Please. We can speak English later. English? You know English? Later. Can I take some pictures here? तो दोस्तों फूड फोटोग्राफी जो है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है और चूँकि मैं इस वक्त थाईलैंड में हूँ तो हालांकि मेरा काम है ज़्यादातर मैं फ़ैशन फ़ोटोग्राफ़ी करता हूँ बट सोचा आज इस फ़ोटोग्राफी व्लॉग में कोशिश करता हूँ कुछ फूड फोटोग्राफी करने की। तो यहाँ पर एक स्ट्रीट में हूँ मैं और यहाँ पर कुछ पिक्चर्स लेंगे और देखेंगे जहाँ जहाँ जो कुछ अच्छा फूड दिखेगा तो उसके पिक्चर्स शूट करके मैं आपके साथ कुछ टिप्स भी जो है वो शेयर करता जाऊँगा मेरी तरफ से। सो वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष सक्सेना। चलिए शुरू करा जाए। आप इस तरह की फूड फोटोग्राफी करें स्पेशली स्ट्रीट के ऊपर या जहाँ पर थिंग्स आर नॉट इन कंट्रोल, तो सबसे पहला टिप मेरा यही रहेगा दोस्तों कि जो लाइटिंग सोर्स है उसे आप जितना नेचुरल लाइटिंग सोर्स यूज़ करेंगे उतना अच्छा रहेगा। जैसे कि अभी शाम का वक्त है और जो भी नेचुरल लाइट है उसे मैं यूज़ कर रहा हूँ और जो यहाँ पर अवेलेबल लाइट है देखिए यहाँ पर जो ऊपर आ रही है लाइट उसे यूज़ कर रहा हूँ, मैंने कोई फ्लैश नहीं लगाया है। तो कोशिश करिए कि आप नेचुरल लाइटिंग सोर्स को यूज़ करिए और पहले कुछ पिक्चर लेते हैं फिर बात करते हैं दूसरी। पोर्ट्रेट भी लिए जिनकी ये शॉप थी, कुछ एक एक्स्ट्रा चीज़ आप देख पा रहे हैं पीछे वहाँ पे कुछ बकेट्स रखी थी कलर काफ़ी कलरफुल तो ली। तो दोस्तों यहाँ पर जब फूड फोटोग्राफी या इस तरह की हम फोटोग्राफी करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो एक दो टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप जो भी, जैसे मैंने पहले बताया कि लाइट सोर्स जो भी नेचुरल है उसे यूज़ करिए, जो भी अवेलेबल लाइट है तो बेस्ट पिक्चर्स मिलेंगी। फ्लैश आप यूज़ करेंगे तो फिर कई बार पिक्चर्स ख़राब हो जाती हैं या फिर आपको बहुत अच्छे से बैलेंस करना आना चाहिए फ्लैश को नेचुरल लाइट को, लेकिन वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है इस तरह की सिचुएशन में, तो आप अवॉइड करिए फ्लैश को यूज़ करना। दूसरी चीज़ ये रहेगी कि मल्टीपल एंगल से आपको पिक्चर्स लेना है। मल्टीपल एंगल से मतलब ये है दोस्तों कि मान लीजिए मैंने वहाँ पे अभी आपने देखा कुछ फ़ोटोज़ ली तो मैंने कुछ आई लेवल पे लिया, कुछ मैंने टॉप लेवल पे जाके ऐसे लिया, कुछ मैंने नीचे बैठ के ली। उससे होता ये है कि सेम प्रोडक्ट है यानी कि सेम फूड है, अलग अलग तरीके से जो है फ्रूट्स के का जो डिज़ाइन है या वो प्रोडक्ट है वो अलग अलग तरीके से नज़र आता है। तो एंगल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन फूड फोटोग्राफी। तो कोशिश करिए और अगर आप खुश नहीं अपने रिजल्ट के साथ तो आप उन्हें अरेंज भी कर सकते हैं, यानी कि मैंगो का पोजीशन थोड़ा आपने अलग हटा के कुछ और रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। बट अभी यहाँ पर प्रॉब्लम ये था कि ये मैं दूसरी कंट्री में हूँ तो और पता नहीं वो मुझे सब करने देगा कि नहीं करने देगा। लेकिन अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं और अगर शॉपकीपर आपके साथ में कंफर्टेबल है तो आप थोड़ा फूड का अरेंजमेंट्स भी आगे पीछे कर सकते हैं अपने हिसाब से। डेप्थ ऑफ फील्ड अगर आपको थोड़ी सी जो है दिखानी है तो उस हिसाब से आप फूड को थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं। और यहाँ पर जो कैमरा सेटिंग है दोस्तों, मैं आपको बताऊँ, मैं एक्चुअली 85mm लेंस पे शूट कर रहा हूँ। मैं अपना लेंस लेके आया था, मैक्रो लेंस भी, बट प्रॉब्लम ये है कि टाइम बहुत कम बचा था, लाइट जा रही थी, और फिर अभी हम थोड़ा सा और भी काफ़ी सारे काम थे तो मैं लेंस चेंज नहीं कर पाया। और 85 पे मैंने पिक्चर्स लिए हैं क्योंकि मैं एक हायर मेगापिक्सल कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर मैं थोड़ा बहुत क्रोप कर लूँगा तो चल जाएगा, स्टिल आई विल गेट यूजेबल इमेजेस। तो दोस्तों ये थोड़ी थोड़ी टिप्स थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। तो कहने का मतलब ये कि जब आप इस तरह से ट्रैवल पे निकलते हैं, एज अ ट्रैवल फोटोग्राफर, तो वहाँ पर जितना आप सीख सकते हैं आपको सीखने की कोशिश करनी चाहिए। और मैंने भी आज यही किया कि मैंने भी ये चीज़ें सीखने की कोशिश की, क्योंकि फूड फोटोग्राफी इज़ नॉट माई फोटे, तो फिर भी मैंने कोशिश किया कि देखता हूँ। और फूड फोटोग्राफी में मज़ा इस बात का है कि कलर्स आपको अच्छे अच्छे मिलते हैं, डिफरेंट कलर्स के फ्रूट होते हैं, डिफरेंट कलर्स आपको मिलते हैं किसी भी दुकान के अंदर। तो एज अ फोटोग्राफ़र जो है ये थोड़ी सी प्लीजिंग सिचुएशन होती है। तो बस आप कोशिश करिए, एंगल्स बनाइए, फ्रेमिंग पे काम कीजिए। कहने का मतलब ये है कि फोटोग्राफी करना ज़रूरी है, फिर वो चाहे फूड फोटोग्राफी हो, पोर्ट्रेट हो, हेडशॉट हो, फैशन हो, वॉटेवर। जितनी आप फ़ोटो शूट करेंगे उतना ही अच्छे फोटोग्राफर आप बनेंगे, और उतना ही लाइट पे आपका कंट्रोल आएगा, उतना ही फ्रेमिंग पे कंट्रोल आएगा। सो आज के लिए इतने दोस्तों इस व्लॉग में। अगले व्लॉग में जल्दी ही मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जब आप वीडियो लाइक करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो दोस्तों बहुत ही दिल को खुशी मिलती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर।